मंदसौर के सुवासरा में चंबल नदी में डूबी चार महिलाओं का शव मिला है। वहीं अभी एक शव की तलाश जारी है। शव को निकालने के लिए रात भर नदी में सर्चिंग अभियान चलाया गया। घटना स्थल पर देर रात मंत्री हरदीप सिंह डंग भी पहुंचे। वहीं घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर दुख जताया है। चंबल नदी में नाव से जा रही महिलाएं नदी में डूब गईं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस मौके पर मंत्री डंग, जिला पंचायत सदस्य जगदीश धनगर भी घटनास्थल पहुंचे। बताया जा रहा है कि चार महिलाओं का शव बरामद हो गया है। वहीं एसडीआरएफ के जवान एक और महिला की खोजबीन कर रहे हैं। घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा के ग्राम तोलाखेड़ी गांव के पास गांधी सागर के बैक वाटर में सात बहनों के बहने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। परिवार धैर्य रखे, बहनों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं सतत कलेक्टर, जिला प्रशासन से संपर्क में हूं। आपको बता दें कि चंद्रवासा में खेत से काम करके लौट रहे सात लोगों में से, जिनमें तीन बालिकाएं, तीन महिलाएं और एक पुरुष नदी में डूब गए हैं। नदी में डूबने की सूचना पर थाना तत्काल गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। वहीं एक बालिका और एक पुरुष को बचा लिया गया है। कलेक्टर गौतम सिंह मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है। ये शामगढ़ क्षेत्र के बारे में मामला है, जहां जो गांधी सागर का बैक वाटर है शामगढ़ क्षेत्र के तोलाखेड़ी गांव में, वहां ये जानकारी मिल रही, कुछ महिलाएं खेती वगैरह के काम से पानी क्रॉस करके जाती थी, लौटती थी, लौटते समय कुछ दुर्घटना हुई है, जिसके संबंध में ये जानकारी है अभी हमारे पास कि दो लोगों को बचा लिया गया है, पाँच लोगों के डूबने की सूचना है। एक जानकारी लिस्ट भी मेरे पास आई है, मैं मौके पर जा रहा हूँ। बाकी एसडीआरएफ की टीम गोताखोर वगैरह वहाँ रवाना कर दिए गए हैं, वो पहुंच ही रहे होंगे। जो प्रशासनिक अमला है, बाकी पूरा अमला मौके पे मौजूद है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।